नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं राजस्थान के श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में, जहां पे हम जंगीर कंपनी में आए हैं और आज आपको जंगीर थ्रेशर के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा जंगीर कंपनी कैसे शुरू हुई और जंगीर कंपनी का क्या इतिहास है और भारत की नंबर वन थ्रेशर कंपनी कैसे बनी जंगीर, तो ये पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी सुरेश जी आपका। जी सर। जो किसान भाइयों का सभी को नमस्कार। तो सर शुरुआत वहीं से करते हैं कि आज जंगीर भारत का जाना माना ब्रांड है, जो भी आप प्रोडक्ट किसानों के लिए लेके आते हैं किसान उनको काफी पसंद करते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है और जंगीर कहाँ से शुरू हुई यात्रा? ये जंगीर मशीन हुई थी 2003 के अंदर जी। पहले छोटे मोटे एप्लीमेंट बनाते थे, हड़म्बा भी बनाते थे जी, और वैसे ये कंपनी 1975 की लगी हुई है। अच्छा, आप 1975 से मतलब थ्रेशर लाइन में काम कर रहे थे? हाँ जी। पहले ट्रैक्टर के एप्लीमेंट वगैरह बनाते थे, दूसरे जी पानी वाला वर्मा इसी तरह के बहुत सारे एप्लीमेंट बनते थे जी। तो बाद में 2003 के अंदर इस मशीन को शुरू कर दिया। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जंगीर आज तो नाम जाना माना ब्रांड है भारत का, लेकिन इस जंगीर का नाम आखिर जंगीर ही क्यों रखा? जंगीर का नाम ऐसे था कि जैसे पुराने टाइम के अंदर 75 के अंदर हमारे पिताजी फादर साहब राजस्थान में आए थे जी, उस टाइम हमारे गांव का नाम लिखते थे कबूल शाह बड़े जी। तो बाद में मैंने सोचा कि ये कबूल शाह से तो कोई भी आके अपना नाम लिख सकता है तो हमारे को दिक्कत आएगी, इस वजह से फिर हमने हमारे पिताजी के नाम के ऊपर जंगीर थ्रेशर कर दिया। अच्छा, मतलब आपके फादर साहब का नाम है जंगीर। जंगीर जी। तो जैसे अभी आप कंपनी चला रहे हैं तो आपके जो आज तो काफी लंबी चौड़ी टीम है, जैसे फैक्ट्री में घूम के देखने में लगता है, फील्ड में भी काफी टीम आपकी काम करती है, तो परिवार के कितने लोग आपके साथ हैं और टीम आपने कैसे बिल्ड करी, कैसे टीम तैयार करी एक जो सक्षम और काबिल टीम बनाई आपने? परिवार के अंदर हमारे फादर जी तो लकड़ी का काम करते थे जी, और थोड़ा बहुत लोहे का काम भी जानते थे और ज्यादा नहीं, और मेरी स्टार्टिंग की हुई 1984 के अंदर जी। 84 के अंदर मैं काम सीखने लग गया था और बाद में 90 के अंदर हमने मेरे सिर के ऊपर पूरा काम पिताजी ने लोड डाल दिया था। अच्छा। तो बाद में 90 के बाद करते 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 धीरे धीरे जैसे थ्रेशर बनाना कर लिया, ट्रॉली वगैरह बना दी, टैंकर बना दिए, ऐसे काम करते करते बढ़ते गए आगे जी। और जो जंगीर मशीन का आप कहते हो, जंगीर मशीन का तो 2003 के अंदर ही शुरू किया था जी। नहीं तो अभी परिवार के कितने लोग आपके साथ पूरी कंपनी में साथ में? हम तीन भाई थे, एक भाई हमारा एक्सपायर हो गया, हम अब दोनों भाई काम देखते हैं जी, और मेरा बेटा देखता है, दो लड़के भाई साहब के हैं ये भी फैक्ट्री में आ गए हैं। अच्छा, मतलब पूरा परिवार मिल के पूरी कंपनी को आगे बढ़ा रहा है। 6-7 आदमी हम घर के हैं और बच्चे अब दूसरे भी इसी लाइन में लेके आएंगे जी, और फैक्ट्री का जो स्टाफ देखते हैं कम से कम 30-35 लड़के तो ऑफिशियल लाइन के हैं जी, और 350-400 आदमी दूसरा वर्कर भी है जी। तो ये तो बात हुई सर परिवार की और स्टाफ की। मशीन कितना ही बड़ा कामयाब ब्रांड हो जाए परेशानी तो आती है जी। तो अभी जैसे फील्ड में अगर कोई परेशानी आती है तो आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? अब तो देखो मशीन का इतना सेटिंग कर दिया कि दिक्कत आती नहीं है जी। अगर कोई लड़का बाहर जाता है फील्ड के अंदर, अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो मेरे से पूछ लेते हैं फोन करके जी, कि अंकल जी ये दिक्कत आ रही है इसका क्या बताएं, और मेरे को इतनी जानकारी, इतना जैसे कहते हैं ना कि लकड़ी को घुन लग गया, मेरे तो दिमाग में ये घुन की तरह बैठी हुई है, उनके ऊपर बता देते हैं कि ये आपको ये दिक्कत आ रही है तो ये करो ये करना है। सही है। तो अभी की आपकी क्या दिनचर्या रहती है, जैसे कि अभी आप फील्ड में तो बहुत कम जाते हैं? अभी नहीं जाता, मैं बहुत कम जाता हूं। तो अभी दिनचर्या जैसे सुबह उठ के ऑफिस आने के बाद फैक्ट्री में क्या क्या काम आप देखते हैं, कैसे क्या निर्देश दिशा निर्देश रहते हैं, क्या दिनचर्या रहती है फैक्ट्री की? फैक्ट्री के अंदर मेरा तो अभी काम यही है कि सुबह घर से आए, फैक्ट्री के अंदर राउंड निकाल लिया,
लड़के देख लिए सारे कहाँ पे काम लगे हुए हैं, क्या है, कोई लड़का गलती तो नहीं कर रहा जी। सेफ्टी की तरफ से देख ध्यान देते हैं कि लड़का कोई बिजली का सारा दिन लाइट का काम होता है, कोई चोट लगने का डर रहता है, कोई एक्सीडेंट होने का डर रहता है, वो चीजें सुबह से आके एक बार देख लेते हैं जी। उसके बाद फिर ऑफिस का काम चल हो जाता है, फिर ऑफिस में पैसा बैठते हैं, वो सारा अपने आप मैनेजमेंट कर लेते हैं जी। तो सर आप बता रहे 1975 से आप एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की लाइन में हैं और 2003 से आप जंगीर थ्रेशर की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में क्या क्या कठिनाइयां आई, कैसे आपको परेशानी हुई, कैसे आप उस समस्या को सोल्व किया और किसानों के पास आप पहुंचे ये कामयाब ब्रांड लेके? जब शुरू से मशीनें बनानी चालू की ना 2003 के अंदर, तो मेरा सिस्टम ये होता था कि जो दो मशीनें बनाई, चार बनाई चाहे पांच बनाई, पर मशीन के ऊपर जाके मैं खुद टेस्ट करता था उसको जी। अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी तो हम खेत में ही उजार ले जाते थे, जहाँ गांव के अंदर छोटी मोटी वर्कशॉपें होती है वहीं पे उसको सेटिंग करके काट पाट के जो भी करना पड़ता था सेटिंग करके एक एक पीस सारे चेक करते थे। तो सर जैसे आपका यहाँ तो फैक्ट्री चल ही रहा है जो पुरानी फैक्ट्री है, अब जैसे मैं पिछली बार भी आया था और कल भी मैं आपकी नई फैक्ट्री देख के आया हूँ, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई जो शायद मैंने ट्रैक्टर कंपनियों की फैक्ट्री देखी होगी इतनी बड़ी, जितनी बड़ी आपने और इतनी हाईटेक फैक्ट्री बना रहे हैं, तो क्या लेके आ रहे हैं किसान भाइयों के लिए उस फैक्ट्री में नया? फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि जो ये हमारी पुरानी फैक्ट्री चल रही है जी, इसके अंदर अभी जगह कम थी, कुछ मजबूरियां हो जाती है, काम करना पड़ता है कच्ची जगह पे, और वहां पे इतनी बड़ी है इसलिए बनाई है कि जब वेल्डिंग कर दिया उसके ऊपर रेत पड़ गई, जंग लग गई, कलर करने में दिक्कत आती है, और वहाँ पे हर चीज साफ सुथरी बननी चाहिए इसलिए ये फैक्ट्री इतनी साफ सुथरी बनी है जी। काफी बड़ी बनाई, थ्रेशर के अलावा और भी कुछ देखने को मिलेगा किसान भाइयों को? हाँ, और किसान के लिए छोटे मोटे एप्लीमेंट सारे देंगे अब आने वाले टाइम के अंदर जी, और बाकी तो अभी ये 12 बातें अभी बताने वाली नहीं होती, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। अच्छा, अभी तक सीक्रेट ही रखना है? हाँ, इसको भी वो क्या बोलते हैं गर्भ निर्धारित ही रखेंगे जी, ओपन नहीं करेंगे अभी क्या है, जैसे जैसे ओपन कर बनाते जाएंगे वैसे वैसे आगे एप्लीमेंट को करते जाएंगे मार्केट में लॉन्च जी। बहुत बढ़िया। तो सर मैं अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत सी कंपनियों के साथ, मतलब एग्रीकल्चर ही नहीं बहुत सी दूसरी चीजों में ले लो, जब वो क्वांटिटी पे आ जाते हैं तो क्वालिटी उनकी बिगड़नी चालू हो जाती है, जबकि आज जंगीर क्वांटिटी पे भी है और क्वालिटी भी उसकी मेंटेन है, तो उसके पीछे का क्या राज है? उसके पीछे का कारण ये होता है जो आदमी खुद को काम नहीं करना आता। अच्छा, और पूरा लेबर के ऊपर ही निर्भर रह गया तो वहां पे दिक्कतें आएगी। अगर खुद को जानकारी है तो वो कभी भी कह सकता है कि भाई से काम करो तो सही करो उसको, मतलब खुद काम करके ही क्वालिटी को रखा जा सकता मेंटेन। हमारा दोनों भाइयों का सारा काम हाथ से किया हुआ है, और आज भी अगर जरूरत पड़ती है तो कर लेते हैं जी। सर वैसे तो भारत में आपकी मशीनें मतलब नंबर वन पे आती है, तो स्पेशल तौर से बात की जाए तो भारत में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मशीनें मिल रही, क्योंकि मैं अगर मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करूँ तो हर दूसरी मशीन जंगीर देखने को मिल जाती है, बाकी और कहाँ कहाँ सेल कर रहे हैं अपनी? ये मशीन पूरे भारत में चलती है, जिस जगह पे गेहूं, सरसों, चने, ग्वार, मूंग ये चीजें आ जाती है वो सभी क्षेत्रों में चलती है। ये भी ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में चलेगी या दो स्टेट में चलेगी जी, जैसे पंजाब के अंदर चावल ज्यादा होते हैं वहां पे हार्वेस्टर का क्रेज ज्यादा है, मशीन वहीं पे भी चल सकती है लेकिन वहां पे हार्वेस्टर का क्रेज ज्यादा है जी। जिस जगह पे थ्रेशरों से काम करते हैं लोग उस हर स्टेट में चलती है जी, और काफी स्टेटों में तो मशीनें जा रही है हमारी। तो सर वैसे तो आपकी भारत में सभी जगह मशीनें बिखरी है, तो फिर भी कहीं कहीं डीलरशिप तो भी खाली होगी, तो अगर कोई डीलरशिप के लिए इच्छुक है तो वो कैसे आपसे संपर्क करें? डीलरशिप लेने के लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कनेक्ट करो, वो कंपनी का आपको मैनेजर का नंबर मिलेगा, भाई साहब का MD है जो मेरे भाई साहब उनका नंबर मिलेगा, उस नंबर पे बात करके आप डीलरशिप के लिए बात कर सकते हो कंपनी में।
तो जंगीर कंपनी की तरफ से किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे, क्या मैसेज है आपका किसान भाइयों के लिए? हमारे किसानों को मैसेज यही है कि जब जंगीर मशीन खरीदते हैं जी, उस टाइम उसके ब्रांड का ध्यान रखें, कहीं धोखा ना खा जाए। आजकल क्या है, कुछ जगह पे मेरे को ये मिला है, जंगीर जो नाम है मशीन का नहीं है, जंगीर का नाम है मल्टी क्रॉप थ्रेशर, और जंगीर हमारे फादर का नाम है, और लोग मशीन को जंगीर कह के सेल कर देते हैं। और ये मैंने मेरे कानों से सुना हुआ है। और इस के ऊपर किसान भाइयों को मैं ये कहता हूँ कि आप जब मशीन खरीदते हो, उस टाइम मशीन के ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। जंगीर के ऊपर, जंगीर जो लिखा होता है हमारे फादर का नाम है, और कंपनी फादर के नाम के ऊपर चल रही है जी। तो उस टाइम किसानों के साथ धोखा होता है, वो ज्यादा डुप्लीकेसी बाजार में बहुत सी आ जाती है। कामयाब ब्रांड की तो नकल सबसे पहले आती है। किसान जाके पूछता है कि भाई साहब जंगीर लेनी है, तो कई दुकानदार ऐसे ही बोल देते हैं कि यही जंगीर खड़ी है, और किसान को पता ही नहीं होता कि किसान जंगीर मशीन का नाम है या कंपनी का नाम है। तो उस जगह पे किसान को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जंगीर है जो कंपनी का नाम है, आपने मशीन खरीदनी है तो जंगीर कंपनी के नाम से खरीदनी है। ये थोड़ा किसानों को थोड़ा धोखे से बचने के लिए मैं सलाह देता हूँ जी। बहुत बढ़िया सलाह दी। तो सर, जंगीर कंपनी के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके इतने बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया और किसान भाइयों के साथ जंगीर की एक विस्तृत यात्रा बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जी, सुरेश जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जंगीर कंपनी की ये यात्रा का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जंगीर कंपनी की यात्रा का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बात आप हमें कमेंट करके बताइए। तो और जंगीर कंपनी के बारे में आपको और भी कुछ जानकारी लेनी थ्रेशर या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट की, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान।